चलिए प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स की जो सीट आपकी BA 6 एम ज्योग्राफी की, यह तीसरी विधि की जो सीट है। तो वायु फोटो की जो मापने की जो आपको बताया तीन विधियाँ, तीसरी विधि की जो आपकी जो सीट है वो इस प्रकार आपकी बनेगी, यानी कि लिखने का पोर्शन रहेगा इस सीट में आपका। तो पहले मैं वीडियो लेक्चर में दो विधियाँ करा चुका हूँ और कंटिन्यू वीडियो लेक्चर में ले रहा हूँ। तो आप लोग नहीं देखी वो वीडियो तो आप जा करके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, और अपनी जो प्रैक्टिकल सीट है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो तीसरी विधि है वो इसके अंदर किस प्रकार के संबंध ज्ञात करते हैं, फोकल दूरी एफ एवं वायुयान की उड़ान की ऊंचाई के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि फोकल दूरी क्या होता है। जब एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है तो जो कैमरे के लेंस से फोटो के तल के जो बीच की जो दूरी होती है वो आपकी फोकल दूरी कहलाती है, और जो वायुयान की उड़ान की ऊंचाई यानी कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़कर फोटो ले रहा है, उनके हमें संबंध पर उनकी अगर ऊंचाई हमें पता है तो हम जो वायु फोटोग्राफ की मापनी बता सकते हैं। तो फोकल दूरी यानी कि उड़ान की ऊंचाई h, और फोटो दूरी डिस्टेंस फोटो, और धरातलीय दूरी डिस्टेंस ग्राउंड, इस प्रकार हम निकालेंगे। तो आप एक उदाहरण उदाहरण जिस प्रकार आपको ये लिखना है, एक वायु फोटो की मापनी की गणना कीजिए जबकि वायुयान की उड्डयन तंगुता 7500 मीटर है तथा कैमरे की फोकल जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार SP यानी कि स्केल फोटोग्राफ, F यानी कि फोकल दूरी, H यानी कि वायुयान की उड़ान की जो ऊंचाई, तो इस प्रकार SP यानी कि आपके 15 सेंटीमीटर जो क्या है फोकल दूरी है, और कैमरे के लेंस से जो फोटो तल तक की जो दूरी होती है उसे फोकल दूरी कहते हैं हम। और इसके बाद में 15 सेंटीमीटर है और अनुपात आपका 7500 मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे क्योंकि मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो आपको बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका आपको गुणा कर देंगे तो ये 75,000 आपका 75,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आगे हम इसको 15 से भाग कर देंगे तो इस कर आपका निकल के आ जाएगा इसके लिए 1 अनुपात बराबर में 50,000 आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपकी जो सीट है वो बढ़ानी है अपने अच्छे से स्टेंसिल वगैरह नाम लिख लिख के, और आपकी जो सीट है इस प्रकार जो कंप्लीट हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।